अब देखो पहले एक एक काम तेरा थोड़ा बात समझ मेरा थोड़ा इंसान को शुभ होता है मुंह को इसका होता है हम बाघ ढूंढ रहे हम जंगल ढूंढ रहे देखो जो छुट्टी पूरा मेन गांव मेरा आप किसी को कोई पता रखो जीरा पुरसुट गए कोई कोचा नहीं कोई गली नहीं कोई लोन निकाल कर मकान बनाया उनको केस उन्होंने सीधे ही बताया है कि यहाँ की जो गरीब जनता है रही दूसरी बात सिविल मास्टर टू बागा शेर रोड 10 लाख रुपया 10.5 लाख रुपया था आउट ग्राउंड से 20 रुपये पे पहुंच गई अगर वो पहुंचने हम ये लोग कह सकते हैं खुद ही की वो हमारे गांव के किसी आदमी ने नहीं की और उसमें यहाँ उमर जो बचाया गया हमने ये कन्वेंशन एक दोबारा बुलाई यहाँ पे जो हमारी जितनी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है वो सारी थी और हमने वो मीटिंग के बाद वो कुछ वपदे आए यहाँ पे आपने देखा छोटी पोरा का सैदव का बहुत लोग आए हैं इनका कुछ मुश्किलात है बहुत जगह पे मुश्किलात है तो हमने ये बिल्कुल इन्होंने सुना हमने सब कुछ लिख के नोट करके रखा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम मुकाम तक सारा पहुँचाएँगे सारा ये क्लियर करवाएँगे जहाँ जहाँ मुश्किल है लोगों के हम आसान करवाएंगे आपकी वसल से गवर्नमेंट से एलजी इंटरनेशनल से अपील कर रहा हूं कि यहां पे जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है यहां पे बड़े मुश्किल है यहां पे लोग गरीब लोग हैं इन पे रियायत होना चाहिए इतना बिल नहीं होना चाहिए इन पे क्योंकि ये गरीब लोग है ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम गुजारिश करते हैं आपकी वसल से एलजी इंतजाम को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात की मैंने उस पर भी बात की हम दोबारा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जहां पे गलत होगा हम उसको पकड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे उसको जो जनता पार्टी जिला शोपियान के अहदेदारों की एक बैठक थी तो बैठक पूरे होने के बाद एक डेलीगेशन छोटीपोरा से आई जिनके बहुत सारे इश्यूज थे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ भट्ट से मिले और उनकी प्रॉब्लम थी कि उनके लंबरदार्स जो आज गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था लंबरदार्स को चेंज करने के लिए तो उनके गांव में लंबरदार नहीं बल्कि दूसरे गाँवों का लंबरदार लगा दिया गया है तो इस सिलसिले में आज हमारे अध्यक्ष जी ने भी उनको बताया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स होंगे वो पूरी की जाएंगी से भी बात की है तो हमारे पार्टी के हाई कमांड ने भी इस इशू को सामने रखा है चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा है रही बात दूसरी जो आपने बताई कि ये राशन कार्ड्स में प्रॉब्लम हो रही है तो राशन कार्ड्स में जब पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी तो हम डीसी साहब से मिले थे डीसी साहब को हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि इसकी रिवेरिफिकेशन होनी चाहिए और वेरिफिकेशन जो हो वो जेन्युइन तरीके से हो तो मुझे लगता है कि आज वेरिफिकेशन चल रही है इंशाल्लाह जो डिजर्विंग है तो उनको वो मिलेंगे। शोपियान के सर्किट हाउस में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक वर्कर्स मीटिंग रखी गई जिसकी कयादत जिला शोपियान के सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने की उनके हमरा यूथ प्रेसिडेंट राजा वसीम और दिगर जो है सीनियर जो कारकुन हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। मीटिंग में काफी पार्टी से लेकर काफी बातों का इजहार ख्याल भी किया गया और लोगों की जो दरपेश मसायल है उनको भी उजागर किया गया। कई वर्कर्स ने लोगों के मसायल को उजागर करके कहा है जिला प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ भट्ट से कि लोग जो है बिजली बिल या राशन कार्ड के हवाले से लोग बड़े परेशान है और उसके बाद जो है यूसुफ भट्ट ने ये कहा कि हम हुकूमत से और कंसर्न डिपार्टमेंट से भी रابطे में है और जल्द से जल्द जो है जो जायज होगा लोगों के हक के लिए होगा वो हम काम करेंगे और जो कसूरवार होगा अगर किसी को जो हक है जो हकदार है उसको हक मिलेगा और किसी भी एविज पे किसी चीज पे कब्जा किया हुआ है चाहे वो एपीएल का मुस्तहिक है और बीपीएल लिया हुआ है उसको हम बख्शेंगे नहीं और जो रीवेरिफिकेशन हुई है वो वेरिफिकेशन जो है चल रही है और हम कंसर्न डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं और इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि लोग जो है गरीब है और लोग जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो बिजली बिल ज्यादा 700-800 आ रही है मंथली ये बिजली बिल जो पे निकाल सकते हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि लोग गरीब हैं इनके पास सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जिसकी वजह से लोग जो है बड़े परेशान हैं। इन्होंने जिला इंतजामिया और एलजी इंतजामिया से गुजारिश की है कि लोगों की तरफ भी खुदारा एक नजर डाली जाए और जो इनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए। जगह 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ।